हेलो फ्रेंड्स, घर घर की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ आलू फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं और अब इसे छोटा छोटा काट लेंगे। तो ये सारे आलू मैंने काट लिए हैं। अब एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे और फिर उसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा। ज़ीरा के क्रैकल होते ही इसमें ऐड कर देंगे आलू। आलू के साथ ही यहाँ ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आलू को कवर करके पका लेंगे। बीच बीच में आलू को चलाते रहेंगे जिससे कि ये जले ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आलू गल गए हैं। तो ये मैंने 90% तक आलू को गलाया है। इसे आप 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही और रोस्ट कर लें। फिर इसमें ऐड कर दें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आलू फ्राई बनके तैयार है। आलू को गार्निश कर देंगे हरे धनिए के साथ। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत ही टेस्टी आलू फ्राई बनके तैयार होते हैं। इसे आप सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म पराठों के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।